बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टेस्ट करते हैं क्या ये कबूतर पोष पाते हैं नहीं पोष पाते हैं। दिल बड़ा धक धक हो रहा है क्योंकि ये जगह घर से हमारे बहुत ज्यादा दूर है। अरे नहीं, ऊपर यहाँ पर चलना पड़ेगा इस जगह पे। देखा अरीब, ऐसी तैसी हो जाएगी अगर भाग गया तो। बहुत ही प्यारा कबूतर है माशाल्लाह से ये। Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So guys, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम और करम करने वाला है। Guys, आज हम लोग अपने पिजन्स की मेंटल पावर लॉयलिटी चेक करने वाले हैं, क्या वो हमारे साथ मुखलिस हैं या नहीं। तो भाई साहब, आज मैं अपने सारे के सारे कबूतरों को आज़ाद कर देने वाला हूँ, घर से बहुत दूर ले आके आज़ाद करूँगा और देखूँगा क्या ये घर पर वापस आते हैं या नहीं आते। गाइज, आप लोगों का ओपिनियन क्या है जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं। चलें, जब तक आपको मैं यहाँ पर चेक कराता हूँ कि इनको देखें मैंने कितना अच्छा माहौल दिया हुआ है अंदर। चेक करो आप माशाल्लाह से, टंकी के नीचे ना एकदम ठंडक ठंडक वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे ये चेक करो आप, दाना कितना ज्यादा दाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है ऊपर कोने पर ठंडा ठंडा। सारे के सारे कितना खुश है, आपस में बातें बातें कर रहे हैं। ये देखो भाई, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए मस्तार हैं। गाइज, आपका भाई जो भी चीज पाले, चाहे वो जानवर परिंदा हो ना भाई, वो इतना खुश रहता है आपके भाई के पास, इतना खुश रहता है, फुल अय्याश वाला माहौल देता है आपका भाई। खिलाना पिलाना, ऐश करो यार, ऐश करो, कोई मसला नहीं है। तो भाई अब इन लोगों का टेस्ट का टाइम आ चुका है, देखता हूँ क्या करते हैं। आपका भाई ना टेस्ट भी लेता ही रहता है, जो बात है। तो भाई चलो फटाफट निकालते हैं इन लोगों को, सबको आजाद कर देते हैं, भले ये कहीं भी चले जाए। गाइज, आपके भाई का दिल जो है ना बहुत मजबूत हो चुका है। मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें पाली, उनको इतना खिलाना पिलाना सब कुछ मैंने करा, लेकिन गाइज अगर वो भाग जाते हैं ना तो फिर आपके भाई का दिल टूट जाता है। तो आपके भाई का टूट टूट के दिल इतना मजबूत हो चुका है ना, समझ लो उसके बीच में आपके भाई ने सीमेंट भर दी है। 10 कबूतर जो हमारे अभी फिलहाल पले हुए ना, कि जब मैं यहाँ पे खोलता था तकरीबन 30-40 खोल रहा था, तो वो सब भाग भाग के इधर उधर होगा। लेकिन गाइज, आपके भाई के पास से जो भी भागता है ना, वो जानवर परिंदा पछताता ही है। चुप कर बे कुत्ते। चलें, सारे के सारे कबूतरों को निकाल के इस वाले पिंजरे में लेकर जाते हैं। हाथ में तो 9-10 कबूतर ले आ नहीं सकते ना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज, ये तो बहुत प्यारा नर है यार, आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा नर है। असल में इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन ये खाल लग रहा है मुझे, ऐसी तैसी हो जाएगी अगर भाग गया तो। चलो फिर भी टेस्ट तो लाजमी है। ये जो लाल वाला कबूतर है ना, ये आपके भाई ने छोटा सा था बचपन में जब खरीदा था, आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले। ये वाली काली मादी कहीं से मेरे पास आई थी तो ये खुद ही रुक गई और मुझे किसी ने दिया था। गाइज, ये वाला कबूतर लाल नफ्ता कहलाता है और ये वाला मैंने कबूतर तकरीबन 300 रुपए का खरीदा था। गाइज, ये वाले दोनों कबूतर बहन भाई है, आप लोग कमेंट में बताएं कि कौन सा वाला बहन है और कौन सा वाला भाई है। पहले आप लोग करीब से चेक करके बता दें। बहुत छोटे थे, पट्टे थे, जब चू चू करते थे ना, जब ये वाले कबूतर मैंने लिए थे भाई, आज ये माशाल्लाह से फुल जवान हो चुके हैं दोनों शादी के काबिल हो चुके हैं। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस, ये वाला कबूतर मेरे पास बहुत बुरी हालत में आया था और ये बहुत बीमार था, बिल्कुल मरने वाला था। बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे लेके, इसकी बहुत बुरी हालत की हुई थी, तो ये आपके भाई ने उनसे खरीद लिया था। माशाल्लाह से आज बिल्कुल सही हो गया और फिट है। चलो भाई, इसको भी उड़ा के चेक करेंगे। गाइस, ये वाला काला कबूतर देखें इसने कैसे पाने पहने में, और बहुत ही प्यारा कबूतर है माशाल्लाह से। ये भाग रहा था, पता नहीं किसका भाग रहा था, और खुद ही आगे छत पे उतर गया। उस दिन से इसने बोला कि इस बंदे के पास से तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ये बहुत अच्छा बंदा है। इसको भी चेक करते हैं। गाइस, ये कबूतर कलसी रहे और ये शाम के टाइम पे मेरे पास आया था। हमने ना ऐसे ही अपने छत पे कबूतर खोले हुए थे, ये यहाँ से कहीं से ऐसे भागता हुआ जा रहा था, सीधा उतर गया था गुड़ुप छत पे। उस दिन के बाद से ये कबूतर भी इतना आपके भाई का प्यार पसंद आया कि ये गया ही नहीं आपके भाई के पास से। तो चलो भाई, चेक करते हैं इसको भी। सारे के सारे कबूतरों को देखें हमने जाल में डाल दिया, अब चलते हैं इनको आजाद करने के लिए। गाइस, इसमें सबसे ज्यादा प्यारा कबूतर आपको कौन सा लग रहा है, आप लोग कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। अरीब, दिखाना एक नजर सही से, देखें इनमें से सबसे ज्यादा प्यारा कबूतर आपको कौन सा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताएं। वही लड़ो नहीं, कौन सा ज्यादा प्यारा लग रहा है आप लोग वो बताएं मुझे कमेंट में लाजमी। लड़ो नहीं मेरा बच्चा, लड़ो नहीं, तुम लोगों को मस्ती सूझी हुई है।
तो गाइज अभी हम लोग अपने घर से बहुत ज्यादा दूर एक गली में आ चुके हैं भाई, और यहाँ पर हम लोग अपने कबूतर उड़ा के टेस्ट करेंगे, क्या ये कबूतर हमारे छत पे पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट करते हैं क्या ये कबूतर पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। दिल बड़ा धक धक हो रहा है क्योंकि ये जगह घर से हमारे बहुत ज्यादा दूर है। चलो एक तुम उड़ाओ। अरे नहीं, ऊपर। गाइज ये तीन कबूतर रहेगा, इन तीनों को भी हम लोग एक साथ छोड़ते हैं और देखते हैं क्या पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गए गए गए, सारा का सारा पिंजरा हमने खाली कर दिया, एक भी कबूतर नहीं बचा। चलो फटाफट आ जाओ घर पे, चेक करते हैं क्या पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। नहीं, स्टार्ट कर बाइक, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। तकरीबन 7 कबूतर आए, 2 कबूतर अभी भी गायब हैं, 2 कबूतर का पता ही नहीं कि वो हैं कहाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी देखो 7 कबूतर आगे बैठे हैं हमारे, तो अभी यार चेक करते हैं क्या वो आते हैं कि नहीं आते। वैसे मैं सोच रहा हूँ इनको ना थोड़ा सा हम लोग उड़ा देते हैं, तो वो जहाँ पर भी होगा हो सकता है इनको देख कर आए। भाई ये किसका आया? अच्छा अच्छा, ये वाला किसी और का है। गाइस मुझे लगता है यहीं कहीं काला होगा आगे पीछे कहीं ना। अच्छा अबे गाइस, एक काला तो ये रहा, ये तो गए भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग यार कहाँ रह गए होंगे यार। गाइस 2 कबूतर आपके भाई के शार्ट हो चुके हैं। 2 कबूतर बिल्कुल भी कहीं पर भी नजर ही नहीं आ रहे मुझे, शायद भाग गए। चले भाई, अभी जो 7 कबूतर आए हुए थे हमने 7 के 7 को उड़ा दिए, अभी देखते हैं कि शाम में क्या वो कबूतर आते हैं कि नहीं आते। गाइस जो भी आएगा ना वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, सही है। A few moments later. गाइस जो हमारे 2 कबूतर गायब थे मैंने सही से अच्छी तरीके से देखा ना ऊपर चढ़ के दूर दूर तक, तो मुझे दोनों के दोनों कबूतर अपने नजर आ गए, वो एक टंकी पे बैठे हुए। चलो आए आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ ऊपर चढ़ू ना, फिर दियो हाथ में कैमरा, सही है। यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा इस जगह पे, दिखा रही। गाइस यहाँ पर ये चेक करें आप, ये नजर आ रहे हैं, नजर आए आपको यहाँ पर बैठे हुए भाई। गाइज आपके भाई की निगाह जो है ना चीते ही है। माशाल्लाह से इतनी दूर तक आपके भाई ने ताड़ लिया कि ये ही 2 कबूतर हमारे कबूतर बैठे हुए। चलो भाई फटाफट नीचे उतरते हैं, यार यहाँ पे तो इन्होंने कांचे भी भोंकी हुई है यार। ये ले रीव, पकड़। चलो भाई देखते हैं क्या वो आते हैं कि नहीं आते, अगर आएंगे तो शाम में मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। हाँ आ जाओ चलते हैं यार नीचे, धूप बहुत हो रही है। A few moments later. Guys, finally, शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब मैं काफी देर के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं छत पर आया हूँ ना, अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है। आपको धूप से ऐसा लग रहा होगा कि दोपहर हो रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है, शाम हो चुकी है, 5:30 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ पर आप ये चीज चेक करें हमारे सारे के सारे कबूतर आ चुके हैं माशाल्लाह से फाइनली। ये वाला जो काला कबूतर है ना, ये दोनों कबूतर नहीं आए थे, ये दोनों इधर उधर भटक गए थे, लेकिन भाई माशाल्लाह से सारे के सारे कबूतर आ गए। गाइस मुझे इतना तो पता था कि इनमें से कुछ कबूतर तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं था कि सारे कबूतर आपके भाई से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आगे पीछे कहीं जाएंगे ही नहीं, वो बोलेंगे नहीं हमें वहीं पर रहना है। तो गाइस फाइनली सारे के सारे कबूतर आ चुके हैं, अब मैं इनका पिंजरा यहाँ पे खोल देता हूँ। अन्नी खोलो, आओ आओ। जब ये थोड़ी देर में अपनी मर्जी से जैसी अंधेरा होने लगेगा ना तो ये उतर के खुद ही चले आएंगे। इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये आपके भाई को बहुत ज्यादा चाहते हैं और आपके भाई को कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहते। देख रहे हैं सारे के सारे आ चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत दूर इनको छत से छोड़ा था, और आप लोग ये मत समझिएगा कि ट्रेन कबूतर है, ट्रेन नहीं है ये वाले कबूतर, सही पाले हुए मैंने टाइम से पाले हुए, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग रोज उड़ा रहे हैं इनको, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ पाले हुए थे, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सारे के सारे कबूतर वापसी आ जाएंगे। मैंने अल्लाह का नाम लेके उड़ा दिया था, लेकिन अब माशाल्लाह से सारे के सारे कबूतर ने साबित कर दिया आपके भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत है इनको। सो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।